हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कएंजल। फ्रेंड्स, बात करेंगे आर्कएंजल शामल की। मैं कहूँगी इतने पावरफुल आर्कएंजल हैं ये, इतने पावरफुल आर्कएंजल हैं कि इनके संपर्क में आते ही हम बहुत बड़ी चीज़ों से निजात पा जाते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बड़ी चीज़ है ना। हम कहीं जा रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट रह गया या कोई की हम रख के भूल गए, अभी जा रहे हैं, लेट हो रहा है सब कुछ, पर वो की याद नहीं आ रही। 2 मिनट रुक करके वहाँ पर प्रे करते हैं आर्कएंजल शामिल से, ठीक है, और इनका जो स्विच वर्ड है वो चैट करते हैं डियर, तो लिटरली वो चीज़ मिल जाती है। यानी कि आर्कएंजल शामिल जो हैं वो हेल्प करते हैं जब व्यक्ति के रिलेशनशिप इशूज बहुत ज़्यादा होते हैं। कहाँ? उस कंडीशन में, रिलेशनशिप्स के लिए एक्चुअल में 2 आर्कएंजल्स बड़ा काम करते हैं। और एंजल कास्टिंग में जब हम बात करें एंजल कास्टिंग की, जो कि मैं पूरे एंजल एजिंग कोर्स में एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है, बट ऐसा आइडिया कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी एंजल कास्टिंग के बारे में अगर मुझे लगा तो मैसेज आया तो इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कएंजल को लेकर के। फ्रेंड्स, बात करेंगे आर्कएंजल शामल की। आर्कएंजल शामल बहुत पावरफुल आर्कएंजल है। इनके संपर्क में आते ही व्यक्ति को इतनी पावरफुल हीलिंग लाइट मिलती है कि वो चाहे तो बहुत कुछ कहना चाहिए कि पा सकता है। डियर देखो, ऐसा है कि 3D में और 5D में किस किस तरह आर्कएंजल शामल की हेल्प ले सकते हैं, कौन सी चीज़ों में स्पेसिफिक आर्कएंजल शामल हेल्प करते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले अनकंडीशनल लव। अगर आप अपने आप से अनकंडीशनल लव करना चाहते हो, दूसरे लोगों से अनकंडीशनल लव का भाव लेकर आना चाहते हो अपने लिए, ठीक है जी, या सेल्फ लव में ऑपरेट करना चाहते हो तो भी आप आर्कएंजल शामल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी डियर। अनकंडीशनल लव अगर आपको आसपास से भी नहीं मिलता, यानी कि रिलेशनशिप आपके इश्यूज हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और वहाँ पर केओस चलते रहते हैं, उस कंडीशन में आप आर्कएंजल शामल के हेल्प ले सकते हैं। डियर आर्कएंजल्स ना, 2 आर्कएंजल ऐसे हैं जो मैं फ्यूचर, एक आर्कएंजल के बारे में मैं फ्यूचर में बताऊंगी, फ्यूचर की वीडियोज में, जो रिलेशनशिप इशूज को हील करते हैं, पर एक आर्कएंजल शामल है जो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप हीलिंग के लिए काम में आते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आर्कएंजल्स की एनर्जी इतनी पाक होती है, आप चाहो तो डियर ना पास के रिश्तों को भी हील करने के लिए इनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ अगर आपकी खो जाती है, ठीक, कोई चीज़ खो गई या रखकर भूल गए तो भी आप उस तक पहुंचने के लिए वो चीज़ आपको मिल जाए, इसके लिए भी आर्कएंजल शामल ये बहुत हेल्प करते हैं। डियर मैं कहूँगी, मैं तो दिन में 50 बार तो इनको कॉल करती हूँगी, क्योंकि ऐसा है कि ये मेरे साथ नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में कुछ हाइट अटेंड कर लेता है कितनी भी, तो वो व्यक्ति का ना एक प्रेजेंट मोमेंट मेंटेन रहता है और वो व्यक्ति ज़्यादातर टाइम अपने मेडिटेशन में या चैनलिंग्स में रहता है। जैसे मेरा ऐसा ही है, मैं कई बार चैनलिंग्स में रहती हूँ, कई बार मेडिटेशन में रहती हूँ, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्टेड हूँ पर्सनल सेशन में, ठीक है, तो वो व्यक्ति की एनर्जी से फिर कंप्लीट कनेक्टेड हो, फिर मुझे पता नहीं कि आसपास में क्या हो रहा, फिर मतलब मेरा मुझे याद नहीं रहता कई चीज़, तो मुझे कई बार भी है ना दिन में ज़रूरत पड़ती है आर्कएंजल शामल की, और डिवाइन की इतनी कृपा है, लगातार मेरी हेल्प करते हैं। मैं भूल जाती हूँ, जैसे अरे मैंने ये चीज़ कहाँ रख दी, तो लिटरली मैं प्रे करती हूँ और मुझे कुछ ही देर में वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। कोई भी बोल देता है अरे ये चीज़ तुम्हारी देखो यहाँ रखी है ना, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि ये एक बड़े लेवल का डिस्टर्बेंस है, ऐसा है कि किन्हीं परसेंटेज में जेन्युइन है, जो कि सभी के साथ होता है। आप भी इस चीज़ को एनालिसिस कर पाते क्योंकि हम कम्प्लीटली 3D में नहीं रहते, रह भी नहीं सकते, ठीक है, तो ये डियर ये सबके साथ में होता है। आर्कएंजल शामल से जब आप कनेक्ट करते हो तो ये आपको भूली हुई चीज़ें याद करा देता है। अब कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी अगर एंजल थेरेपी जानते हैं, एंजल हीलिंग जानते हैं, तो लिटरली हेल्प लेते हैं, ठीक है, लेनी चाहिए। पास्ट लाइफ के बारे में, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, पर ये थोड़ा सा रिस्की होता है, आप इसको खुद से नहीं करें, इसको किसी मेंटर के कनेक्शन में आप करें, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी के लिए आप कुछ जानना चाहते हो डियर, तो लिटरली आप आर्कएंजल शामल के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भूला हुआ याद करा देते, भूला हुआ आप तक पहुँचा। अगर आप अपनी स्किल्स तक पहुँचना चाहते हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स वीडियोस में डालती हूँ मेरे दूसरे वाले चैनल पर, उसमें मैं बोलती हूँ इनर वर्क करके अपनी पावर तक जानो, अपने पावर तक पहचानो, तो ये पावर्स को पहचानने के लिए कि हमारी सोल क्या भूल गई है, इसके लिए भी आर्कएंजल शामल की हेल्प लेनी चाहिए डियर। मैं कहूँगी हर एक को लेनी चाहिए, ठीक है। कैसे? रात को प्रे करके सो जाना है, सुबह
है ना, ड्रीम में आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जो कि आपको सही ढंग से डिकोड करना है। अब इसके लिए आपको एक हाई लेवल का अवेयर होना चाहिए, पहले अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम कर लीजिए, उसके बाद आप ये चीज़ करें तो आपको कई चीज़ें परसेंटेज वाइज याद आ जाएगी। जितना आपने इनर वर्क किया हो, जितना स्पिरिचुअलिटी में हाइट अटेंड किया हो, उसके हिसाब से आपको ये ड्रीम आएंगे, उसके हिसाब से आप डिकोड करके अप्लाई कर सकते हो। पूरा एक सिनेरियो एक ही ड्रीम में आपको दिख जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो आप थोड़ा सा इसके लिए अवेयर रहिएगा। साथ में आर्कएंजल श्यामल वहाँ हमेशा हेल्प करते हैं जहाँ पर आपके कुछ रुकावटें आ जाती हैं चीज़ों में। आप कहीं जा रहे हो, रुकावटें आ गई, तो आप आर्कएंजल श्यामल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, बड़ी बड़ी चीज़ों में आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैवलिंग के लिए अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप आर्कएंजल रफाइल की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, यानी बड़ी ट्रैवलिंग करते हो फ्लाइट में, जहाँ पर आपको दूर जाना होता है ना, तो वहाँ पर बाकायदा आप आर्कएंजल श्यामल की हेल्प ले सकते हो। इनका जो कलर होता है वो होता है पेल ग्रीन, ठीक है जी, और इनका जो क्रिस्टल होता है वो होता है ग्रीन फ्लोराइट क्रिस्टल, ठीक है जी डियर। ग्रीन फ्लोराइट इनका क्रिस्टल होता है, बहुत प्यारा सा, बड़ा हीलिंग लाइट इनको है ना, बहुत स्वीट, बहुत स्वीट। मुझे मतलब इनका तो मैं थैंक यू करने में ही सोचती हूँ कि मैं किन शब्दों में थैंक यू करूँ। डिवाइन है तो मैं कहूँगी एनर्जी ज़रूर भेजती हूँ, पर ऐसा है कि क्योंकि बहुत साथ है, बहुत साथ है डियर, मैं कहूँगी इनको साथ ही अगर आपने बना लिया तो आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो स्पिरिचुअलिटी में हाइट अटेंड कर लेता है वो 3D की चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाता है, थोड़ा, वैसा नहीं कि उसने पूरी तरह छोड़ दी, ऐसा है कि थोड़ा दूर हो गया। थोड़ा दूर होने के नाते वो अपने डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी वो तो स्पिरिचुअलिटी में है, वो तो हाइट अटेंड करके है ना थोड़ा सा बैलेंस हो चुका है, तो वो समझेगा ठीक है अगर ये चीज़ अभी याद नहीं आ रही वो एक घंटा बाद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, या एक घंटा बाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत। पर आसपास वाले जो है जिनमें इंपेशेंट एनर्जी है वो इस एक घंटे में पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। तो इस बीच जो बड़े लेवल का बैलेंस है ये मेंटेन कराएंगे, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है डियर। मैं कहूँगी आप भी इसको ज़रूर से अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। इनको साथ अगर आपने बना लिया तो एक ये बैलेंस को मेंटेन कराने का काम करते हैं। कई बार मैं इस तरह की चीज़ें मेरे साथ में होती है कि चैनलिंग, एक बार एकाएक चैनलिंग हुई और उसको मैं मान लो मैं 3D का कोई ऐसा काम कर रही हूँ या कुछ भी मैं ऐसा कर रही हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा 3D मार्केट हूँ कहीं हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जिसकी वजह से मैंने वो तुरंत नोट नहीं किया डायरी में, तुरंत ऐसा नोट नहीं किया, तो उस वक्त में वो चैनलिंग में मैं भूल जाती, फिर वो याद ही नहीं आती। फिर वो मेडिटेशन करूँगी लंबा समय है ना, मेडिटेशन करूँगी सुबह के समय जब उठती हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेट करूँ कि वो क्या था वो मैसेज, ऐसा सा कुछ मैसेज आया था, हल्का हल्का सही याद होगा, बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि चैनलिंग एकाएक होती है, डाउनलोड एकाएक होते हैं, उसके बाद रिलीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैं, अभी क्या होता है कि मैं पूरी तरह इसके लिए भी इनकी हेल्प लेती हूँ, आर्कएंजल श्यामल की हेल्प लेती हूँ कि वो जो चैनलिंग हुई थी वो आप प्लीज़ रिकॉल वापस से कराएं, वो क्या था, ऐसा ऐसा क्या कुछ था। तो मेडिटेशन करना होता है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करना होता, पर मेडिटेशन करके इनकी हेल्प से वो जल्दी चीज़ें रिकॉल हो जाती। यही रीज़न है डियर कि मैं डेली आप लोगों तक कहना चाहिए कि मैसेजेस पहुंचा पाती हूँ, वरना कहना चाहिए कि किसी व्यक्ति के अंदर पे उतना नहीं है हिम्मत, मैं सच बता रही हूँ आपको, नहीं है कि वो एकाएक चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। ये डिवाइन की मेहर, ऊपर वाले की मेहर है, जिसके लिए मैं 1000 times ग्रैटिट्यूड में हूँ, रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी, ठीक है जी। तो मैं कहूँगी कि आप भी इसको अपना ज़रूर से हिस्सा बनाएं लाइफ का, है ना, आर्कएंजल की एनर्जी से जुड़े। रीज़न जब आप नहीं जुड़ते हो आर्कएंजल की एनर्जी से तो ये भी आपको देखते तो हैं, वॉश तो करते हैं, पर आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। ये हैं तो आप इनकी हेल्प लीजिए ना, ठीक है जी। पेल ग्रीन कलर की एनर्जी आप अपने पास में इमेजिन करें और उसके बाद उनसे प्रे करें और चैंट करें इनका स्विच वर्ड जो कि है रीच। कोई भी चीज़ आपकी, आपको याद करनी है, भूल गए हो कोई चीज़ रख के, तो उसके लिए आप इनके लिए प्रे करें और इनका स्विच वर्ड चैंट करें रीच, ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से डियर आपकी हेल्प हो जाएगी। और इसको करने के लिए एज सच आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है, 5 minutes, 2 minutes चलेगा, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।